राजस्थान के कोटा में लगातार कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। कोटा में सुसाइड के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। बता दें कि कोटा में पिछले 9 महीनों में करीब 25 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। यहां लगातार बढ़ रहे सुसाइड के मामलों ने चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी। कोटा से एक और सुसाइड का मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। जानकारी के मुताबिक नीट की तैयारी कर रही इस 16 वर्षीय कोचिंग छात्रा ने अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक छात्रा की पहचान रांची झारखंड निवासी रीचा सिंह के रूप में हुई। वो कोटा में रहकर एक कोचिंग से नीट एग्जाम की तैयारी कर रही। फिलहाल वो एक निजी हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रही। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं पुलिस के अनुसार मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। कोटा में इस साल बढ़ते सुसाइड ने प्रशासन के साथ साथ कोचिंग संस्थान, हॉस्टल संचालक और आमजन की भी चिंता बढ़ा दी है। अगर बात करें कोटा की तो कोटा को शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है और यहाँ छात्र दूर दूर से कोचिंग में पढ़ने आते हैं। कोटा में जनवरी से अब तक करीब 25 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। चलिए जानते हैं क्या कारण हो सकते हैं पढ़ने वाले छात्रों के सुसाइड करने के। छात्रों के सुसाइड करने का मुख्य कारण है डिप्रेशन, पढ़ाई का प्रेशर, कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई का तनाव, परिवार वालों से पढ़ाई का दबाव। इसके अलावा भी डिप्रेशन का एक और मुख्य कारण है, वो है खराब दिनचर्या। स्टूडेंट्स को लगता है कि पढ़ाई सिर्फ रात में होती है तो वो रात रात भर पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से ठीक से सो नहीं पाते और नींद की कमी के कारण दिमाग को आराम नहीं मिल पाता, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे उसके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से सुसाइड करने जैसे ख्याल उसके मन में पनपने लगते हैं। इसके उपाय हैं कि बच्चों को समझाना चाहिए, उनकी दिनचर्या सही रखनी चाहिए, उनके परिवार वालों और कोचिंग वालों को उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाना चाहिए, बच्चे से बैठकर बातें करनी चाहिए, उनके मन में जो चल रहा है उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। कोटा में छात्र छात्राओं की आत्महत्या के मामले पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, सरकार जल्द ही कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई करेगी। कोचिंग संस्थान अपने सपने पूरे करने के लिए बच्चों पर दबाव बना रहे हैं। कोचिंग संस्थानों को बच्चों के मनोरंजन का साधन और काउंसलिंग भी करनी होगी। बच्चों की आत्महत्या के मामलों में हमने एक कमेटी भी बना दी। परिवारजन भी अपने बच्चों पर दबाव नहीं बनाए। कोचिंग संस्थानों में आत्महत्या रोकने के लिए हम जी जान लगा देंगे। बता दें कि कोटा में हो रहे सुसाइड को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधि, माता पिता और डॉक्टर समेत सभी हितधारक शामिल हैं। कमेटी अपनी रिपोर्ट सीएम गहलोत को सौंपेगी। 2 महीने तक रूटीन टेस्ट आयोजित करने पर भी रोक लगाई गई। कोटा में पुलिस की ओर से एक खास तरह का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने कोटा में स्टूडेंट सेल नाम से एक हेल्पलाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन का कार्य कोचिंग, हॉस्टल, मैस आदि के आसपास रहना और स्टूडेंट से बातचीत करना है, उनकी समस्याएं जानना, उनका समाधान तलाश कर उनका तनाव दूर करना है। लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी कोटा में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।